असलकम आई होप एवी मैन ऑफ इज़ डूइंग वेल खुशबाश होंगे सेहतमंद होंगे अच्छा खा पी रहे होंगे और अच्छा सा पढ़ रहे होंगे सो हम जैसे कि हमारी पर्सनालिटी के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है हमने पर्सनालिटी के जो है टाइप्स पढ़ ली हैं और उसके डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी असेस पर्सनैलिटी उसकी असेसमेंट बेसिकली कैसे होती है तो पर्सनैलिटी असेसमेंट में बेसिकली आप क्या करते हो कि किसी भी पर्सनैलिटी को असेस करना है तो ऐसे तो नहीं है किसी को देख के ही आप कह दोगे अच्छा इसकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो एक जो क्लिनिकल uh, साइकोलॉजिस्ट है या कोई भी जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है वो बेसिकली कोई ना कोई पर्सनैलिटी टेस्ट क, उस पर एडमिनिस्टर करेगा फिर उसके बाद उसकी स्कोरिंग होगी स्कोरिंग के बाद उसकी इंटरप्रटेशन होगी उसके बाद वो बताएगा अच्छा इसकी पर्सनैलिटी में ये ये चीज़ें हैं तो इससे फिर पर्सनालिटी असेसमेंट से अगर आप कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर निकल आता है आपका तो आपका जो डायग्नोसिस आप देना चाह रहे हैं वो रिफ़ाइन हो जाएगा फिर स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्म साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं आपने उसको कैसे टैकल करना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो ठीक है एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ़ बिहेवियरल ऑरल इन द वायटी ऑफ कॉन्टेक्स एंड सेटिंग्स के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट पर्सन हैज सर्टन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स तो अच्छा इसका बिहेवियर किस किस तरह का होता है तो इसलिए हम पर्सनैलिटी असैसमेंट जो है वो कर सकते हैं Then i next hair. पर्सनैलिटी असेसमेंट में आपका जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए आप ऐसे ही नहीं कोई भी इंसान उठ के जो है वो पर्सनैलिटी की असेसमेंट नहीं कर सकता इसमें आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए कुछ क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ चाहिए जिसको पता है कि अच्छा ये पर्सनैलिटी टेस्ट मैं इस पर अप्लाई करूँ अच्छा इसका ये रिजल्ट आया है मैं फ़्लां इस उसका एक स्पेसिफ़िक मैनुअल होता है जिसके साथ कंसल्ट किया जाता है फिर जो है Uh, जो क्लिनिशियन है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट करता है तो उस एक नॉलेज होना उस चीज़ का बड़ा जरूरी है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट विच डेमोस्ट्रेट द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्लिनिकल यूटिलिटी के वो ईदर द टेस्ट इज़ वैलिड और नॉट क्या वो टेस्ट वही मैयर है जो आप मैया करना चाह रहे हैं और उसकी क्लिनिकल यूटिलाइजेशन यूटिलिटी उसकी है भी या नहीं एलिमेंट्स ऑफ साइकोमेट्रिक थेरी जिसमें आपके रिलायबिलिटी वैलिडिटी रेफरेंस ग्रुप्स नॉम जनरलबिलिटी स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्लिनिशियन के लिए अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अच्छा कौन सा इसके लिए टेस्ट जो है वो ज़रूरी है ये इस पर अप्लाई हो सकता है और अगर आप उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है तो फिर आप उसको रेफ़र भी करें देन जो है आपकी स्पेशलाइज नॉलेज को ही अभी हम कंटिन्यू करें जिसमें डेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज जिसके पास नॉलेज होगा जिसके पास एक्सपर्टीज होंगी वो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करेगा जिसमें इंटरव्यू आपका आ जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड को लेटरल सोर्सेज को लेटरल सोर्सेज कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट है कोई किसी फैमिली uh, मेम्बर से आपने डेटा लिया तो आप इन तमाम डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हो तो ये आपका बेस्ट फॉर्म ऑफ असेसमेंट हो जाती है फिर कम्युनिकेशन ऑफ असेसमेंट रिजल्ट टू डिफरेंट रिफरिंग इंडिविजुअल्स एंड एंड एजेंसीज फीडबैक टू क्लाइंट्स तो ये ये भी चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो तो कितनी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो जो रेफर जिस बंदे को रेफर कर रहे हो तो आपने कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है ये तमाम एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन असमेंट एंड इंटरवेंशन है कि जिसका पास नॉलेज होगा स्पेसिफिक कि अच्छा ये टेस्ट मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इसकी मैंने स्कोरिंग की है तो अच्छा इसकी फिर क्या इंटरवेंशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर एथिक्स लॉज रेगुलेशंस पर टू पर्सनालिटी असेसमेंट इन जनरल एंड पर्टिकुलर कुछ एथिकल कोड्स हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिए हुए हैं यू कैन रीड ऑल दोज कोड्स फ्रॉम इंटरनेट आप लिख के सर्च कर सकते हैं ए पी ए कोड ऑफ एथिक्स लेकिन आपको जरूरत नहीं है आपके लिए इतना ही काफ़ी है जितना पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपने कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बनना सिर्फ आपने सी एस एस के पेपर देने हैं नेक्स्ट हम बात करें कि जिस तरह नॉलेज चाहिए उसी तरह स्किल चाहिए किस तरह से वो प्रोसीजर जो है वो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी असेसमेंट का चलता है वो कैसे होगा किन लोगों को पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग जो है वो टेस्ट की प्रॉपर की जाए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर जो किसी एक टेस्ट का मैनुअल अवेलेबल है उसमें एक प्रोसीजर बताया हुआ अच्छा इस तरह इस तरह से टेस्ट कंडक्ट करना है आपने जो है क्लाइंट को अपने ऑपोजिट साइड पे बिठाना है उसको पेपर देना है पेंसिल देनी है उसको इतना टाइम देना है ये पूरा एक प्रोसीजर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है फिर एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट डेटा विद अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिसमें स्ट्रक्चर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यूज हैं सॉरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन डेटा और ये तमाम चीज़ें हैं आप इनको टेस्ट के साथ जो आपने टेस्ट कंडक्ट करवाया है उसके साथ इंटर रिलेट करते हो फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट करवाया है उसमें पर्सनालिटी जो उसकी बड़ी एग्रेसिव सी पर्सनालिटी आपको नजर आ रही है हो सकता है आपने क्लिनिकल इंटरव्यू में उस इंडिविजुअल ने आपको ख़ुद भी बताया कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्से का मसला है तो वो क्या है उसके वो वैलीडेट हो जाएगी चीज़ की अच्छा टेस्ट में भी ये चीज़ आई है देन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ कोग्नेटिव असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इसकी भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसने डिग्री ली हुई है जिसने इसकी प्रैक्टिस की हुई है सिर्फ वो इंडिविजुअल इसको कर सकता है कोई किसी के पास भी जाके आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्टिंग नहीं करवा सकते इंटरव्यूइंग केस कंसेपच्चुअलाइजेशन केस कंसेप्चुलाइजेशन क्या होती है कि जब आप इंटरव्यू ले, ले लेते हो असेसमेंट कर लेते हो तो आप पूरा एक केस बनाते हो कि अच्छा ये केस है ये इसके बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं ये जो है इसके uh, करंट फैक्टर्स हैं अच्छा किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाता है पूरा एक केस ना एक आप डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हो पूरा वो कंसेपचुलाइज करने के लिए नैन इज सेलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरप्रटेशन ऑफ असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या आप जो असेसमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं वो आपकी पॉपुलेशन पे आपके कल्चर और उनके लोगों पे अप्रोप्रिएट है भी है नहीं है ठीक है फिर इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेस्ट जो फ्रेंच लोगों पे यूज़ हुआ हो सकता है कि वो हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल ही ना हो तो इसके लिए बड़ी आपकी स्किल्स आपका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनलिटी टेस्ट इंटू कोहरेंट एंड रेलिवेंट रिपोर्ट दैट फैसिलिटेट अप्रोप्रियट इंटरवेंशन एंड एस्टिमेट लाइकली आउटकम कि आपने जो डिफरेंट सोर्सेज से इंटरव्यूज से कॉलेटरल इंफॉर्मेशन से अपनी पर्सनल असेसमेंट से जो आपने डाटा इकट्ठा किया है उसको आप क्या करते हो इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को फिर आप कहते हो कि कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके फ़र्दर जो इंटरवेंशन uh, प्रोसेस चल रहा है जो आपने मैनेजमेंट मानी उसमें रेलिवेंट है या कौन सी इन्फॉमेशन डिस्कार्ड कर दी जाए तो इसके लिए क्या चाहिए स्किल्स एक्सपर्टीज़ नॉलेज ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है प्रोविजन ऑफ फीडबैक दैट इज़ क्लियर यूजफुल एंड रिस्पॉन्सिव टू द क्लाइंट कि आपने जब सारी असेसमेंट कर ली है सारा कुछ आपने आपको पता चल गया अच्छा ये ये इश्यूज़ हैं तो फिर आप उसको कन्वे करते हैं ठीक है ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि अच्छा कि आपने ये चीजें की हैं और आपने ये रिजल्ट निकाला है उसका तो क्लाइंट को ये राइट right है उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छा आपने क्या रिजल्ट निकाले हैं और बड़े सिंपल वे में बताना है आपने कोई जो है वो अपनी फील्ड के जार्गन्स यूज करते हुए नहीं बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट को वो चीज़ समझानी है डेन पर्सनैलिटी टेस्ट कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने कोई देना है तो उसमें बहुत इनका फ़ायदा होता है कोई आपने वोकेशनल काउंसलिंग करनी है उसमें बड़ा फ़ायदा है कोई आपने बिज़नेस या इंडस्ट्री के लिए पर्सनल्स जो हैं वो अगर आपने हायर करने हैं उनकी सिलेक्शन के लिए पर्सनालिटी टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मईरिंग स्पेसिफ़िक पर्सनालिटी टेस्ट फॉर रिसर्च रीस, परपजेस के लिए यूज़ हो सकते हैं उसके अलावा अभी आप देखें कि सी एस एस के भी जब रिक्रूटमेंट आपने सेलेक्ट करने होते हैं तो आपके फाइनल इंटरव्यू से पहले आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है और उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी को फिर आप आर्मी का टेस्ट देते हैं तो उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है दैन पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिनको सेल्फ़ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी कहते हैं और एक होते हैं सब्जेक्टिव जिनको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं ठीक है तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज की बात करें तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी आपने येस और नो करना होगा या आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करनी होगी क्लाइंट को वो टेस्ट दे दिया जाता है और वो खुद बैठ के उसको पूरे को सॉल्व करता है और तो वो ऐसा टेस्ट जो है ना वो आपका सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा फिर उसकी स्कोरिंग आप मैनुअल के अकॉर्डिंग करेंगे उसमें पता होगा अच्छा इतना स्कोर आएगा तो इसका मतलब ये है ऐसी पर्सनालिटी होगी ये सारी चीज़ें क्या हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स ऑलरेडी उसकी नॉर्म्स इस्टेब्लिश्ड होंगी इसमें एग्जांपल आपके पास मीनोफिजा मेनोसेटा मल्टी पर्सनालिटी इन्वेंट्री न्योपिया है जिसमें आपको मैंने वो ओशन वाला बताया था ये सारे हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्टिव टेस्ट आर द टेस्ट प्रोजेक्शन होती है इसमें आपको एक वेग स्टमिलाई दे दिया जाता है उस पर आपने फिर या तो स्टोरी लिखनी होती है या उस ब्लैक को आपने कंप्लीट करना होता है कि आपके पास चॉइस है कि आप कुछ भी लिखें यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग यू आर फ्री टू ड्रॉ एनी जैसे हाउस ट्री पर्सन एक टेस्ट है तो उसमें हाउस ट्री और पर्सन तीन चीज़ें आपने ड्रॉ करनी होती है और क्लिनिशियन फिर वो ख़ुद उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रटेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है अच्छा इसने जो है पेंसिल को बड़ा दबा के लिखा है तो अच्छा इसका क्या मतलब होगा इसने बड़ी लाइट लाइट्स की इसने ड्रा की इसका क्या मतलब होगा अच्छा इसने ट्री पे एप्पल्स ड्रा किए हैं तो इसका क्या मतलब होगा पॉइंटेड लीव्स हैं ब्रॉड लीव्स हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है और ये सिर्फ़ एक क्लिनिशन को जिसके पास एक्सपर्टीज़ हैं सिर्फ उसको पता हो सकता है आप रेंडमली किसी से ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा सकते ठीक है तो इसमें एग्जाम्पल जैसे दी हुई है रोडशा टेस्ट और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसका क्वेश्चन भी आता है सी एस एस एग्ज़ाम्स में कि जैसे सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्ज़ाम में रोडशा और थेमेटिक या परसेप्शन के दरियान डिफरेंस पूछा हुआ था ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन था वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगी अब हम ना डिफरेंस देख लेते हैं कि ये भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट मैं आप बता देती हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट में डिफरेंस पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ ऑप्शन दी होंगी येस या नो की ऑप्शन तो फोर्स चॉइसज़ होती हैं कि आपको एक ना एक चूज़ करनी होती है प्रोजेक्टिव टेस्ट में ओपन एंडेड है ठीक है आई लाइक डैश आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी लिखें आपको एक पिक्चर एक वेग सा स्टिमुलस दिखा दिया जाएगा जैसे टी ए टी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में आपने स्टोरी लिखनी होती है तो आपकी मर्जी है आप क्या स्टोरी लिखते हैं फिर सेल्फ रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है प्रोजेक्टिव में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है इसमें फिक्स चॉइसेस होती हैं उसमें आप आ, के पास जो है ना एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स फ्री आपको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आपके माइंड में जो आ रहा है वो आप इस इधर एक्सप्रेस कर दें फिर सेल्फ़ रिपोर्ट मैयर्स टू असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे एग्रीएबलनेस कन्सानशियसनेस आपके एक्स्ट्रावर्जन न्यूरोटिसज ये एरियाज़ जो है वो मैय करते हैं डिफरेंट जो उसमें आइटम्स हैं आपके टेस्ट में इसमें आपके अनकॉन्शियस माइंड को रिवील किया जाता है आपकी हिडन डिज़ायर्स आपके हिडन विशेज़ आपके जो हिडन पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है वो सरफेस पे लाई जाती है थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट फिर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज में देखें तो रिस्पॉन्स कंपेयर किए जाते हैं विद ऑल स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर है विद ऑलरेडी इस्टेब्लिश नॉर्म जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इसमें एक क्लिनिशन की अपनी इंटरप्रटेशन होती है फिर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें जो प्रोजेक्टिव है इसमें एम्बिगस टेमिले होंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें रिस्पॉन्स में जो है वो एरर आ सकता है कि कोई गलती से बी ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है लेकिन उससे गलती से सी ऑप्शन होगी लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन वाला सीन ही नहीं है तो इसमें लेस चांसेस ऑफ एरर है एरर के चांसेस कैसे आएंगे जो उसके माइंड में आ रहा है उसने वो वो एक्सप्रेस करना है फिर डिसेप्शन के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें क्योंकि uh, जैसे अगला पॉइंट है सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस इस वजह से डिसेप्शन करते हैं कि अच्छा नहीं हम ना ये अच्छे वाले का जो है ना ये वाला टिक करते हैं ताकि ना उसको पता चले मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है लेकिन इसमें एस डिसेप्शन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं बिकॉज आप एक इम्बिगुअस स्टिमुलाए को कितना फेक कर सकते हैं तो इसमें फिर चांसेस ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाते हैं इसमें एग्जांपल दें आप टेस्ट की तो इसमें एम एम पी आई मिनोसिटा मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड सिक्सटीन पी आ जाते हैं जब आप प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें इसमें थेमेटिक के परसेप्शन टेस्ट रोड शाक इन ब्लॉक टेस्ट इसमें पर्सन रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक तो ये सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं मूविंग ऑन आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी पास पेपर्स में पूछा गया है रोड शाह और, और थेमेटिक के परसेप्शन टेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है तो रोड शाह जो है सबसे पहले तो आप बताएं कि ये कब बना नाइनटीन ट्वेंटीज़ में बना टी ए टी जो है वो थर्टीज में बना इसका नेम जो है वो किस पर है हरमन रोशा के नाम पे है इसका नेम आ किसी पर नहीं है पर ये किसकी थेरी पे बेस है मरे की जो है वो थेरी और जो है मॉर्गन क्रिस्टाना मॉर्गन इनकी थेरीज पर डिवेलप था है यूनिवर्सिटी में जो है इन्होंने ये टेस्ट बनाया था।, था फिर दोनों ही प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं रोड भी और थमेटिक भी लेकिन रोड का डिफरेंस अगर आप देखें तो उसमें टेन कार्ड्स होते हैं और इसमें ट्वेंटी कार्ड्स जैसे अगर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पूछे जाएं तो सिमिलैरिटीज़ में आप बताएं कि दोनों क्या है प्रोजेक्टिव टेस्ट है सिमिलैरिटीज़ की बात कर रही हूँ ठीक दूसरी बात के प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं दोनों में एम बिग है तीसरी बात आप बता सब बल्कि सबसे पहले दोनों क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट है ये कॉमन फीचर है ठीक है फिर जो है एम्बिगू स्टिमिलाई हो गया फिर उसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें दोनों में सिमिलरिटीज ठीक है फोर टू फाइव आपके जो भी लिख सकते हैं अच्छा इसमें टेन कार्ड्स जैसे आ, इंक का ड्रॉप आप डाल दें और उसको पेज को फोल्ड करें तो एक अजीब सी फिगर बनी होती है तो वो ऐसा इंक ब्लॉट की ना एक पिक्चर होती है वो इंडिविजुअल को दिखाई देती है अच्छा आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है ठीक है उसमें क्या होता है इसमें ट्वेंटी कार्ड्स होते हैं परसेप्शन टेप्स में जो बड़े बिगवस से सीन्स होते हैं उसमें और आपने उस पर स्टोरी लिखनी होती है जिसकी बिगिनिंग मिडल और एंड ज़रूर होना चाहिए फिर ये कलर्ड ब्लॉट्स होते हैं जबकि परसेप्शन में ब्लैक एंड वाइट फिगर्स होती हैं और एम्बीगुअस स्टिमुलाए क्या हैं दोनों में ही होते हैं फिर पर्सनैलिटी स्कोर बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंक ब्लॉट्स की बेसिस पे आप स्कोर करते हैं जबकि इसमें जो स्टोरी लिखी गई होती है उसकी बेस पे आप करते हैं ठीक है फिर रोड इंक प्लॉट में क्वेश्चन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इज क्वेश्चनेबल दोनों में है ये आप सिमिलैरिटीज़ जो हैं उसमें आप ये लिख सकते हैं के रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर क्वेश्चनेबल ठीक है ये दोनों में सिमिलैरिटी में आ जाती है फिर है वंस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंक प्लॉट कोई कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी कि इंक प्लॉट में उसको क्या नज़र आ रहा है लेकिन स्टोरीज़ में जो है आपकी फैंटेसीज आपकी जो इमेजिनेशन uh, है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है एक इंडिविजुअल की दूसरे से फिर इंक प्लॉट टेस्ट में इंडिविजुअल हैज टू टेल व्हाट ही और शी सॉ इन द पिक्चर जो पिक्चर उसको दिखाई है इसमें आप टी में होता है कि आपने स्टोरी लिखनी है पिक्चर को देख दे कुछ कुछ सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है उसके बाद रख दी जाती है उसे कहा जाता है आप स्टोरी लिखें इस पर फिर रोड शाह जो है इट वाज जो जब स्टार्ट में बिल्कुल ओरिजिनल जो था ये टेस्ट किस लिए स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को डायग्नोज़ करने के लिए यूज़ किया जाता था थमेटिक था। परसेप्शन जो है वो यूज़ किया जाता था जैसे वॉर टाइम में जैसे जिन लोगों को ट्रामा हुआ है जो Uh, आर्मी पर्सनल्स वगैरह जो भी वेटरन्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी किस्म का ट्रामा तो नहीं फेस किया था तो वो टी टीम से रोड टेस्ट जो है वो उसके मोर और लेस आपको कॉमन समटाइम्स रिस्पॉन्स मिल जाते हैं लेकिन टी ए टी में आपको कॉमन मिलना बहुत रेयर है फिर अगर ये तो हो गया उनका डिफरेंस फिर अगर आप देखें पर्सनैलिटी टेस्टिंग में एथिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एथिक्स जिसमें आप ये देखें कि सबसे पहले असेसमेंट टेक्निक्स आपने देखें कि आप वो करेक्ट असेसमेंट टेक्निक यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं जो टूल वही टूल आप अप्लाई कर रहे हैं ना जो उस पर्सनालिटी के लिए एप्लीकेबल है उसकी कोई यूजफुलनेस है भी या नहीं है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फिर इन्फॉर्म कॉन्सेंट बड़ा ज़रूरी है कि आपने कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करने से पहले आपने उस क्लाइंट से कॉन्सेंट ली भी है या नहीं ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर कॉन्फिडेंशलिटी फिर आप ये आ, उसको यकीन दिलाते हैं कि जो इन्फॉमेसन क्लाइंट आपके साथ शेयर कर रहा है यू विल नॉट डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन विद एनी पर्सन विदाउट क्लाइंट्स ओन कॉन्सेंट ठीक है फिर अवॉइड कल्चरल बायस एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के आज जो क्लिनिशियन है वो किसी भी तरह से किसी भी किस्म का बायस नहीं रखेगा ड्यूरिंग इंटरप्रटेशन ड्यूरिंग असेसमेंट और उसकी प्राइवेसी को भी इन्वेड नहीं करेगा देन वो हमेशा ऐसे टेस्ट यूज़ करेगा विच आर रिलायबल एंड वेलड और फिर एक्सप्लेन करेगा असेसमेंट रिज़ल्ट को उस इंडिविजुअल को ये उसका राइट right है फिर जेंडर बाइस और किसी किस्म का कल्चरल बाइस किसी भी किस्म का जो बाइसड है वो बायस uh, नहीं होगा क्लिनिशन जो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो उसके पार्ट पर होनी चाहिए ये एथिक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पर्सनैलिटी में फिर इसमें हम मैनेजमेंट प्लान की अगर बात करें ओके वी हैव टॉकड अबाउट असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर किसी सॉरी पर्सनालिटी प्रॉब्लम किसी की भी पर्सनालिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं क्या टूल्स यूज़ होते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट प्लान कि किस तरह से मैनेज कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को सबसे पहले आप गोल बताएं कि मैनेजमेंट का असल में गोल क्या है टू डिवेल्प अ वर्किंग रिलेशन बिटवीन पेशेंट्स टू हेल्प दैम रिसीव द बेस्ट पॉसिबल केयर ताकि उसको आप उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिफाई हो उसकी प्रॉपर असेसमेंट हो उसको प्रॉपर केयर मिले ठीक है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है फिर इफेक्टिव इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आप उसको सिखाते हैं फॉर दी स्ट्रेटजीज वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक डायग्नोसिस ये डायग्नोसिस पे के फॉर एग्जांपल किसी की पर्सनालिटी जो है बॉर्डर लाइन उसका अलग डायग्नोसिस है उसकी अलग ट्रीटमेंट प्लान होगा किसी का अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट प्लान होगा ठीक है इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी सच एज अ स्पेसिफ़िक यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर बाउंड्रीज लिमिट सेटिंग एंड पेशेंट बिहेवियर एंड यूज़ ऑफ़ मेडिकल रिसोस प्रोविजन ऑफ री इंश्योरेंस एंड अप्रोप्रिएट के क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट के उसको अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस पता चल जाए उसकी असेसमेंट अच्छी हो जाए उसका मैनेजमेंट प्लान बेहतरीन बन जाए और किस डिसऑर्डर के लिए क्या मैनेजमेंट प्लान जरूरी है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फिर आप देखें कि इसमें एक साइकोथेरेपी uh, यूज़ होती है साइकोथेरेपी में आप देखते हैं कि अच्छा किसी इंडि uh, किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो उसके क्या मूड्स हैं उसके क्या बिहेवियर्स हैं किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है अच्छा इसकी एग्रेसिव पर्सनैलिट है तो उसके एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है तो वो आप साइकोथेरेपी उसके लिए यूज़ करते हो ठीक है फिर उसमें आप उसको इंडिविजुअल सेशन भी दे सकते हो अलग से उसके हो सकते हैं और उसको ग्रुप थेरेपी सेशनस भी दे सकते हो ठीक है और समटाइम सेशनस में क्लाइंट की परमिशन के साथ आप उसके कुछ फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग सोसाइटी में उसने रहना है ऑब्वियसली उसके सोशल रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं तो आपने सोशल स्किल ट्रेनिंग भी देनी होती है ठीक है फिर आप उसको आ, कुछ ऐसे तरीके बताते हो कि वो अपनी सिम्टम्स को मैनेज करे ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सिम्टम्स को मैनेज करे लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू शुरू करें फिर फैमिली थेरेपी भी अगर चाहिए हो तो फैमिली को एजुकेट करने के लिए कि अच्छा इस इंडिविजुअल के साथ ये प्रॉब्लम है आपको इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है और इसके मैनेजमेंट प्लान में आपने हमारे साथ भी कोऑपरेट करना है और उस इंडिविजुअल के साथ भी देन आपके पास मेडिकेशंस आ जाती हैं और मेडिकेशन जो है वो एक क्लिनिशियन एक फिजिशन को रेफर करेगा अच्छा दैट पर्सन हैज़ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो आप इसको रिकमेंड करें कि क्या क्या मेडिकेशन होनी चाहिए तो बट देर इज़ नो स्पेसिफ़िक मेडिकेशन के स्पेसिफिक डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए एक स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी तक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताई लेकिन देर आर सर्टेन सिम्टम्स जो आपकी उस डिसऑर्डर के दौरान आ रही हैं जैसे अगर किसी को डिप्रेसिव फीलिंग जो कोई बड़ा ग्लूमिंग ग्लूमी सा है और हर वक्त सैड रहता है किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको एंटी डिप्रेस दिए जाते हैं ताकि उसका मूड स्टेबिलाइज़ हो फिर उसके अलावा मूड स्टेबिलाइजर्स आपको दिए जाते हैं के आपकी जो इरिटेबिलिटी आप हर वक्त इरीटेट रहते हैं आपके अंदर इंपल्सिविटी बहुत ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए फिर अगर कोई साइकोटिक इश्यूज हैं कोई आपको डिल्यूजन्स uh, हो रही हैं स्पेसिफिक टाइप की कोई हलूसिनेशनस हो रही हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूरोप्ट है न्यूरोप्ट एटी सटिक मेडिसन्स को ही कहते हैं तो वो दी जाती है ताकि साइकोसिस में बेसिकली होता है कि आपका रियलिटी के साथ कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है तो एंटीसाइकॉटिक मेडिकेशन जो है उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं एंटी एंगजाइटी जैसे एंटी डिप्रेसेंट है इसी तरह अगर आपको कोई एंग्जाइटी के इशूज़ हैं कि आपको लगता है आप बाहर जाएंगे तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा हम पे एम्बरिसमेंट फील करेंगे और हर वक्त आपको कंटिन्यूसली वरी रहती है तो उसके लिए एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन और वो आपकी नींद जो है प्रॉपर तरीके से आपको आए उसमें हेल्प करते हैं देन हॉस्पिटल एंड रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम समटाइम्स के इतनी स्वेयर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसमें साइड बाई साइड जो है वो इतनी स्वेर किस्म की सिम्टम्स आ रही हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है कुछ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स अगर रिक्वायर्ड uh, हैं तो वो क्लीनिशियन जो है वो रेफर करता है कि आपको साइकेट्रिक uh, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि पेशेंट जब ख़ुद से मेडिसिन नहीं लेता वो घर वालों को बहुत तंग करता है तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है ताकि जो है वो नर्सिस uh, जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसकी केयर करें उसको मेडिकेशन जो है वो सब दें दिस इज जनरली रिकमेंडेड ओनली वेन द पेशेंट कांट केयर फॉर हिमसेल्फ जब वो अपनी केयर नहीं कर सकता प्रॉपरली तब आप उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं आफ्टर जब वो स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे हम वो हॉस्पिटल में फिर नहीं रहेगा मज़ीद फिर वो आउट पेशेंट उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा देन लाइफ स्टाइल एंड होम रेमिडीज़ के उसको जब वो आप uh, उसके सेशंस ख़त्म हो गए हैं तो आप उसको बताएंगे कि अभी आप आपका प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट ख़त्म नहीं हुआ ये किसी भी वक्त री कर हो सकता है तो आपने ये ये स्ट्रेटजीज घर में करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपने उसको ये चीज़ बतानी है यू हैव टू बी एन एक्टिवेट एक्टिव पार्टिसिपेंट और आपको अपनी केयर ख़ुद करनी है ये आपका प्रॉब्लम है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको बड़ा विजिलेंट रहना होगा आपको सेशंस टाइम पे लेने होंगे ये चीज़ आपने उसको बतानी है बारहा एक दो सेशन के बाद दोबारा रिमाइंड करवाएं फिर उसको आप ये डायरेक्ट करें उसको बताएं कि मेडिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके साइड बाय साइड सिम्टम्स आ रही हैं उसको डील करेंगे आपने सेशंस के साथ साथ अपनी मेडिकेशंस भी टाइम पे लेनी है फिर आपने उसको कहना है कि आपने अपने आप को ना एक्टिव रखना है किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है और ऑबियसली अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट आपको जो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजिज़स बताई जाती हैं उससे आपके क्या है डिप्रेसिव एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस वाली सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं आपका वेट गेन ना हो आप वॉक किया करें या जॉगिंग किया करें या आप योगा किया करें तो ये चीज़ें जो है वो फिर क्लिनिशन रिकमेंड करता है फिर किसी किस्म के आपने ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह नहीं लेनी वो क्या है कि वो आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट करेगी फिर रूटीन मेडिकल केयर जो है अगर आपके सेशंस ख़त्म भी हो गए हैं तो आपने जो है उस एक रूटीन में आके अपने चेकअप वगैरह भी करवाने हैं देन कोपिंग एंड सपोर्ट आप कि कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ है तो आपने उसको कोपिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर सिखानी है कि अच्छा किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी होने लग जाए तो वहाँ पर आपने क्या करना है अपने आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स के आपने ना Uh, कोई आस पास कर्टन्स लगे हुए तो उन पर ग़ौर करना शुरू कर देना कोई भी कोपिंग स्ट्रैटी आपने सिखानी है उसको फिर फॉलो अप सेशन ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्लाइंट को बताना है बेशक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया बेशक आपके सेशंस ख़त्म हो गए यू आर नो मोर ऑन मेडिकेशन बट स्टिल आपका प्रॉब्लम किसी भी टाइम दोबारा हो सकता है तो आपने कभी भी कोई भी सिम्टम आपको फ़ील हो दोबारा आ रही है तो आपने फॉलो अप सेशन के लिए ज़रूर आना है सो दैट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी और इसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपके असेसमेंट टाइप्स हो गई हैं पर्सनलिटी की थेरीज भी हो गई हैं असेसमेंट भी हो गई होगी इंटरवेंशन भी होगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो रहे आई डोंट थिंक कि आपको ये एरिया इसका रह गया है और दैट इज़ मोर देन इनफ और आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप इसको थीम्स एंड वेरिएशन बाय वैन विटन उसकी बुक से भी पढ़ सकते हैं तो दैट वॉज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी एंड ये हमारा एरिया कवर हो गया है एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़